पूरी दिल्ली में इस तरह के कई एरियाज हो सकते हैं जहां सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। पूरी दिल्ली में 90 मेगावाट्स की सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेकिन जैसा अभी मनीष जी ने बताया, सतेंद्र जैन जी ने बताया, मिलन विहार में आज जो ये मॉडल लागू किया गया है, रेस्को मॉडल, ये पहली बार दिल्ली में एक्सपेरिमेंट किया गया, सक्सेसफुल हुआ। रेस्को मॉडल का मतलब जैसा इन्होंने बताया, 77 लाख रुपए का ये प्लांट है। अगर किसी सोसाइटी को या वहां के रेजिडेंट्स को 77 लाख रुपए इकट्ठे करके प्लांट लगवाना पड़े तो कोई नहीं लगा सकता। इस मॉडल में ये है कि कोई कंपनी आके प्लांट लगाती है, उस कंपनी ने 77 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, वो कंपनी आपको बिजली बेचेगी, आपको जगह देनी है, जैसे आपने छत दी, बदले में वो आपको कुछ कंसेशन पे बिजली बेचेगी, उस बिजली पे दिल्ली सरकार 2 रुपए यूनिट की सब्सिडी देती है, केंद्र सरकार 30% कैपिटल कॉस्ट पे सब्सिडी देती है। ये दोनों अगर इंक्लूड किए जाएं तो मैं कैलकुलेट कर रहा था, इसके जो फाइनेंशियल्स हैं वो बहुत जबरदस्त हैं। ये कंपनी 4 रुपए 66 पैसे पे आपकी सोसाइटी को बिजली बेचेगी, उस पे 2 रुपए दिल्ली सरकार ने सब्सिडी दे दी तो आपको 2 रुपए 66 पैसे यूनिट के हिसाब से पड़ी बिजली, 2 रुपए 66 पैसे। आज आप यही बिजली, जो कॉमन फैसिलिटीज की बिजली है, जो आपके घर में बिजली यूज कर रहे हो वो तो काफी सस्ती हो गई है, लेकिन जो कॉमन फैसिलिटीज वाली बिजली है वो आप 7 रुपए 75 पैसे यूनिट पे खरीद रहे हो आज, 7 रुपए 75 पैसे पे। और ये सोलर प्लांट से आपको बिजली पड़ी 2 रुपए 66 पैसे, तो एक तरह से 5 रुपए पर यूनिट बिजली की सेविंग आपकी सोसाइटी की होगी। वो कहते हैं हींग लगी ना फिटकड़ी, रंग चौखा ही चौखा। आपको एक पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा, आपकी छत खाली थी, आपने वो छत एक कंपनी को किराए उस पे दे दी अपना प्लांट लगाने के लिए केवल, और बदले में 5 रुपए यूनिट के हिसाब से आपको बचत हो रही है। अभी आपने जितने सोलर प्लांट मिलन विहार ने लगाए हैं उस पे 9 लाख रुपए हर साल की बचत होनी शुरू हो जाएगी। और मैं अभी शर्मा जी से बात कर रहा था, वो कह रहे थे इसी तरह से इसको 2.5 से 3 गुना करने वाले हैं, तो लगभग 25 लाख रुपए साल की बचत आपको सोसाइटी को होने वाली है। 25 लाख रुपए साल की बचत है और कुछ नहीं करना पड़ा, ना कोई एफर्ट ना कोई इन्वेस्टमेंट। मैं कैलकुलेट कर रहा था, यहां पे 400 परिवार हैं तो लगभग हर परिवार को हर साल 6,000 रुपए की बचत होनी चालू हो जाएगी अगर सोसाइटी वाले उस बचत को आपको ट्रांसफर करेंगे तो। नहीं नहीं, आप रख लीजिएगा और अच्छे काम कीजिएगा। ये अपने आप में, जैसे कभी भी हम दिल्ली में कोई भी अच्छा काम नया आइडिया करते हैं तो कहते हैं पायलट प्रोजेक्ट करेंगे, हमारे दिल्ली सरकार के लिए मिलन विहार ने पहला पायलट प्रोजेक्ट करके दिया है। इस बात की मुझे आज ज्यादा खुशी है यहां पे आके, क्योंकि मुझे अब अपार इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं पूरी दिल्ली के अंदर, कि इसी मॉडल को अगर पूरी दिल्ली के अंदर लागू किया जाएगा तो आप सोच सकते हो कि कितनी सोलर एनर्जी बनाई जा सकती है, कितनी सोलर एनर्जी, और कितने सस्ते में बनाई जा सकती है कि हर घर को भी बचत होने लग जाएगी। वैसे ही दिल्ली के अंदर आज जिस रेट पे बिजली मिल रही है,
जैसा सतेंद्र जैन जी ने बताया कि जब से सरकार बनी है हर साल बिजली के रेट कम करते जा रहे हैं, हर साल बिजली के रेट कम करते जा रहे हैं। आज पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली के अंदर है, सबसे सस्ती बिजली। इसका मैं स्पेसिफिक आपको एग्जांपल दूं, अगर आप 400 यूनिट बिजली दिल्ली में इस्तेमाल करते हैं अपने घर में, आपका बिजली का बिल आता है 1180 रुपए। अगर आप 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं बंबई में, आपका बिजली का बिल आता है 4000 रुपए। अगर आप 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं गुजरात में और कर्नाटका में, आपका बिजली का बिल आता है 2800 रुपए, और दिल्ली में आपका बिजली का बिल आता है 1180 रुपए। तो आज दिल्ली में लगभग सस्ते, सबसे सस्ती बिजली आज पूरे देश में दिल्ली के अंदर है। जैसा सतेंद्र जैन जी ने बताया, जब हमारी सरकार बनी हम चुनाव में घूमा करते थे, प्रचार किया करते थे, हम लोगों को कहते थे कि हमारी सरकार बनी तो बिजली सब आधे रेट कर देंगे, तो कई लोग हमारा मजाक उड़ाते थे कि यार ये सरकार तो इनको चलानी आती नहीं, आधा रेट कर दिया तो बिजली नहीं आया करेगी। कई लोग कहते थे जी बिजली चाहिए हमको, चाहे इसी रेट में दे दो लेकिन 24 घंटे बिजली दे दो। आज हमारी सरकार ने 24 घंटे बिजली दे दी, आधे रेट के ऊपर बिजली दे दी। जब हमारी सरकार बनी उस साल पूरे दिल्ली में 11.5 करोड़ यूनिट का पावर कट लगा था, 11.5 करोड़ यूनिट का पावर कट। पिछले साल दिल्ली में केवल 1.5 करोड़ यूनिट का पावर कट लगा था पूरे साल में, पूरी दिल्ली मिला के तो लगभग नेग्लिजिबल, छोटे छोटे कहीं आधे घंटे के लिए किसी वजह से बिजली चली गई, कहीं किसी कई बार वो फॉल्ट आ जाता है। सारे फॉल्ट फूल्ट सब मिला के पिछले साल 1.5 करोड़ यूनिट का पूरी दिल्ली में पावर कट लगा था। अब अगर ये सोलर एनर्जी वाला भी मॉडल जो इन्होंने लागू किया है, ये पूरी दिल्ली में जब लागू कर दिया जाएगा, आप सोच सकते हो कि बिजली और कितनी सस्ती होती जाएगी पूरी दिल्ली के अंदर। आपके यहाँ आने के पहले मैं और सतेंद्र जैन लगभग 1 घंटा एक साथ ये सारी कैलकुलेशंस देख रहे थे। 2-3 आइडियाज और आए हैं, अभी मैं यहां कह नहीं सकता जब तक उनको लागू ना कर दें, लेकिन अगर वो इंप्लीमेंट कर दिए गए तो ये जो आपके 2.66 रुपए हैं ये लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रेट के ऊपर आपको बिजली मिलनी चालू हो जाएगी। इतनी सस्ती बिजली हो जाएगी ये सोलर पावर से। पूरी दिल्ली की सारी RWAs में अब इसको हम, केवल RWAs नहीं, जहां भी छतें हैं जिसके पास भी, उस पर बहुत एग्रेसिवली पूरी दिल्ली में इसको एक आंदोलन के रूप में और क्रांति के रूप में पूरी दिल्ली के अंदर लेके जाएंगे। आने वाले 1-2 महीने के अंदर दिल्ली की सारी RWAs की मीटिंग बुलाएंगे और सबको हम कहेंगे कि आप लोग इसको लागू कीजिए, सभी का फायदा है, RWAs का फायदा, रेजिडेंट्स का फायदा, सब लोगों का फायदा, आपका पैसा बचेगा और एक तरह से सोलर एनर्जी सबसे क्लीन एनर्जी है, पॉल्यूशन इससे कम होगा। अब शर्मा जी ने मुझे 2-3 काम दिए हैं उसके ऊपर मैं चर्चा कर लेता हूं। पानी वाले के ऊपर हमारे भी 2-3 आइडियाज हैं। मेरा ये सुझाव है कि अगर आप मंगलवार को सुबह 11 बजे मेरे घर आ जाएं, आप भी आ जाएं और आसपास की 2-4 RWAs के लोगों को और ले आएं, तो जो आपकी प्रॉब्लम है उसको भी डिस्कस कर लेंगे और जो पानी पे हमारे आइडियाज हैं जो हम RWAs में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं उसको भी आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। दूसरा, आपने यहाँ पे एक फुटओवर ब्रिज बनाने को कहा विद एस्केलेटर। मैंने अभी PWD मिनिस्टर यहीं बैठे हैं तो उनसे डिस्कस किया, वो कहते हैं एस्केलेटर्स का मेंटेनेंस थोड़े दिन में खराब हो जाते हैं, हम लिफ्ट लगवा देंगे, फुटओवर ब्रिज विद लिफ्ट। तीसरा, आपने बिजली का कुछ कहा, वो मुझे ठीक से समझ नहीं आया, वो मैं जिम्मेदारी अब मनीष सिसोदिया जी जो आज आपको बड़े भाई मिल गए उनको मैं देके जा रहा हूं, उनसे वो बिजली वाला समझ लीजिएगा, या परसों जब आएंगे तो मेरे को उसको समझा दीजिएगा। आप सब लोग आए, आज आप लोगों ने हमें यहाँ पे इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।